Welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic electrochemical cell. Previous lecture तक हम लोगों ने electrochemical series बनाया था on the basis of their increasing reduction potential. हम लोगों ने full galvanic cell या electrochemical cell देखा था electrogalvanic cell या electrochemical cell दो half cell को आप किसी connecting wire और salt mill से add कर दो तो आपको एक क्या मिलेगा complete galvanic cell. फिर उस पर बेस्ट हम लोगों ने next equation देखा था कि next equation anode half cell पे कैसे लगा सकते हैं. half cell में हम लोगों ने देखा था anode half cell और cathode half cell पे कैसे लगा सकते हैं और full cell पे कैसे लगाते हैं. आज का जो टॉपिक है आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल कितने टाइप्स के होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल दो टाइप्स के होते हैं. मैं रिकॉल कराता हूं आपको समझ में आ जाएगा. आप देखो ना कि जो गैल्वेनिक सेल हम लोग फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं उस गैल्वेनिक सेल में बेसिकली था क्या कि एनोड हाफ सेल जिंक का था, कैथोड हाफ सेल कॉपर का था. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जिंक एंड हमेशा कॉपर का होगा. मैं सिंपली ये आपको कह रहा हूँ कि दोनों हाफ सेल अलग अलग इलेक्ट्रोड के थे, अलग अलग मेटल के थे. वैसे गैल्वेनिक सेल जिसमें दोनों हाफ सेल अलग डिफरेंट मेटल्स के होते हैं और उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट होता है ड्यू टू डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल, ड्यू टू डिफरेंट रिडॉक्स पोटेंशियल, वैसे सेल को बोलते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल. मतलब अब तक जो हम लोग सेल की बात कर रहे थे वो अपना नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है. वैसे गैल्वेनिक सेल जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल हो उसको बोलते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल. दूसरे टाइप के गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल. कॉन्सेंट्रेशन सेल उसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल उसको बोलेंगे वो हाफ सेल जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट आर ड्यू टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाफ सेल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. वैसा गैल्वेनिक सेल जिसमें दोनों हाफ सेल सेम एलिमेंट के होंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेम होंगे बट कंसंट्रेशन अलग अलग होगा. एनोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा एंड कैथोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. फिर उस सेल को बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल और वो भी दो टाइप के होंगे. एक केस में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड पढ़ेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड. तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग ये कंप्लीट करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल. मतलब गैल्वेनिक सेल सही है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या पूछा सकता है. जैसे वर्क डन निकालो, मैक्सिमम वर्क डन निकालो, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो. फिर हम लोग आगे देखेंगे डेल्टा जी से कोरिलेट करके. ओके तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल इट इज ऑफ टू टाइप्स. इसको पहला को बोलते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल. इसमें बेसिकली होगा क्या कि दोनों हाफ सेल में जो फ्लो ऑफ करंट होगा ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब दोनों हाफ सेल अलग अलग मेटल के बने होंगे. सेल इन विच फ्लो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू difference in electrode potential of cell in which flow of current and electron are due to difference in electrode potential of anode and cathode in this half cell एनोड एंड कैथोड आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. अब ध्यान से देखना, मैंने कहा नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होगा जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट आर ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल. मतलब दोनों हाफ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों अलग अलग होंगे. तो अलग अलग मेटल का है तो दोनों मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग अलग होगा. तो इस सेल में कभी भी ई नॉट ऑफ सेल कंप्लीटली जीरो नहीं होगा. तो मैं कह सकता हूं कि ई नॉट ऑफ सेल नॉट इक्वल टू जीरो. जो ई नॉट ऑफ सेल है वो जीरो के बराबर नहीं होगा. जो ई नॉट ऑफ सेल है वो जीरो के बराबर नहीं होगा. जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, मैं एग्जाम्पल लिख दूं, जिंक सॉलिड से जेड एन प्लस टू आयन, सॉल्ट ब्रिज सिर्फ सी यू प्लस टू से सी यू. ये जो हाफ सेल है ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ. यहाँ पे ये एक्वस था, यहाँ पे ये एक्वस था. इस सेल में हमने देखा था जो इनोट ऑफ सेल निकाले थे ये 1.1 वोल्ट.
तो इस टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल बेसिकली उसमें क्या होगा कि दोनों हाफ सेल सेम ही टाइप के एलिमेंट के बने होंगे। अगर एनोड हाफ सेल जेडन का होगा तो कैथोड हाफ सेल भी जेडन का होगा, या एनोड हाफ सेल कॉपर होगा तो कैथोड हाफ सेल कॉपर होगा। होगा क्या, डिफरेंट आयन का कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, मतलब एनोड हाफ सेल में जिंक प्लस आयन होंगे, वो कैथोड हाफ सेल में जिंक आयन होंगे, उससे कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। और एक ही मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्स है तो रिडक्शन माइनस एक्स हो जाएगा, तो उस स्टेप में जो ई नॉट ऑप्शन है वो जीरो होगा। ओके, तो आइए सेकंड टाइप ऑफ सेल में पढ़ाता हूँ आपको, कॉन्सेंट्रेशन सेल। सेल को तो क्या कह सकते हैं, सेल इन विच एवलिक करंट इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। वैसे सेल जिसमें दोनों हाफ सेल के अंदर या तो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग हो या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, इसी से फ्लो ऑफ करंट होगा। इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। तो मैं कह सकता हूं कि इन दिस सेल बोथ द हाफ सेल आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। हाफ सेल इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, नॉट डिफरेंट एलिमेंट। दोनों एक ही एलिमेंट के बने होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन या तो अलग अलग होगा या तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन से जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, दूसरा पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन से जिसमें इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, ध्यान से देखना, तो ये होगा जेड इन +2 एक्वस से क्या होगा, ये आपका एनोड हाफ सेल है और ये जो आपका है ये कैथोड हाफ सेल है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो इसका कितना होगा, C2 मोलर होगा और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। यहाँ पे एनोड हाफ सेल में ये मेटल क्या है, जिंक, और कैथोड हाफ सेल में यहाँ मेटल क्या है, जिंक, दोनों का अलग अलग होगा। तो एनोड हाफ सेल में यहाँ पे क्या होगा, E नॉट ऑफ OP अगर x वोल्ट है तो इसका यहाँ पे क्या लेंगे, E नॉट ऑफ RP, ये -x वोल्ट होगा। तो इस टाइप के जितने भी कॉन्सेंट्रेशन सेल होंगे इसमें E नॉट ऑफ जो सेल होगा ये जीरो के बराबर होगा ऑलवेज। तो अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा तो हमेशा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज जीरो के बराबर। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाई वन पढ़ते हैं। एक केस वो लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग हो और दूसरा केस वो लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अलग हो। ओके, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। दो टाइप्स के होंगे, एक में इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल वो होंगे जहां पे इलेक्ट्रोड आर एट, केस में कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल दो चीजों के कंसंट्रेशन डिफरेंट अलग अलग होने से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो या दूसरा इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो। तो आइए आज हम बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं फिर इसकी बात करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ध्यान से देखना कि पहले इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब हाफ सेल वगैरह सब पढ़े हो, मैं एक एग्जांपल कॉमन सेट करता हूँ फिर उससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं, फॉर एग्जांपल तो मैं ले लेता हूँ जेड एन सॉलिड, इलेक्ट्रोलाइट जेड एन एसओ फोर इक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ लेता हूँ जेड एन एसओ फोर इक्वस और ये जेड एन सॉलिड। ध्यान से देखना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं लेता हूँ C1 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ C2 मोलर, दोनों से। ये एक अपना इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन, इधर C1 मोलर है इधर C2 मोलर है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, पहले करते हैं सेल रिएक्शन लिखना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सेल रिएक्शन लिखना।
अगर मैं स्पेशल रिएक्शन लिखूं तो पहला इनोड हाफ से लिखूंगा, तो जेड एन कहाँ से जा रहा है, जेड एन से जेड एन प्लस टू एंड टू इलेक्ट्रोड, इसका ई नॉट ऑफ ओपी नहीं मतलब खुद से ले लेते एक्स वोल्ट, किस क्योंकि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल का जो ई ई नॉट ऑफ सेल होगा ये ऑलवेज जीरो के बराबर होगा, तो आपको नीड ही नहीं है एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं सेकेंड बात करूँ कैथोड हाफ सेल की, तो ये क्या हो जाएगा, जेड एन प्लस टू, टू इलेक्ट्रॉन गिव जेड एन, और इस केस में जो ई नॉट ऑफ आर पी होगा ये जस्ट इसी का उल्टा होगा, दोनों को साथ में लिख दोगे तो सेल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये जेड एन प्लस टू एक वर्ष है ये एनोड हाफ सेल का है, एनोड सेल का है, और इधर जो है ये कैथोड सेल का है, क्योंकि ये जो जिंक से जिंक आयन में आ रहा है ये एनोड में, और ये आयन से इलेक्ट्रोड पे जा रहा है ये कैथोड का है, और दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी वन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी टू है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या, और जिंक भी मेटल मेटल है तो जिंक भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा जेड एन प्लस टू एक्वस, ये जेड एन प्लस टू कहाँ का है, कैथोड, कहाँ से जा रहा है, जेड एन प्लस टू एक्वस ये कहाँ का है, एनोड का, और दोनों को जब लिखोगे तो इसका ई नॉट ऑफ सेल कितना के बराबर हो जाएगा, तो हमेशा इन ऑफ सेल जीरो वोल्ट। क्या इस जिंक आयन जिंक आयन को कट कर सकते हैं, आप कहोगे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हाफ सेल का है, आप बोलोगे सर ये दोनों डिफरेंट हाफ सेल का है तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अप्लाई कर दो नेक्स्ट इक्वेशन, अप्लाई कर दो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.059 log concentration of product upon concentration of reactant, आइए पुट कर देता हूं इसमें, तो E of cell is equal to E naught of cell 0 minus 0.059 by 2 log concentration of product, तो product पे क्या जाएगा Zn plus 2, ये कहां पे एनोड हाफ सेल का अपॉन जेड एन प्लस टू आ जाएगा कैथोड हाफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर। इन जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं, इन जनरल ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, अब डायरेक्टली लगा सकते हो ई नॉट ऑफ सेल का कोई फंडा नहीं होगा, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, तो यहाँ जिंक एनोड का होगा और यहाँ जेड प्लस टू एन कैथोड का होगा, तो डायरेक्टली आप लगा दोगे कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाय एन लॉग एनोड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एज कैथोड, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सी वन दिया हुआ था, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन सी टू दिया हुआ था। ओके आइए इसी को मैं एनालाइज करता हूँ आगे, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया ध्यान से देखना, आ गया ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट कैथोड, टू माइनस 0.059 बाई एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट कैथोड, यही आ गया ना, और एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था सी वन और कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था सी टू, अब ध्यान से देखना माइनस 0.059 बाई एन लॉग सी वन बाई सी टू, ध्यान से देखना कि कोई भी सेल तभी वर्क करेगा, कोई भी सेल तभी वर्क करेगा जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो, फॉर वर्किंग ऑफ एनी सेल, मैं आपको बताता हूं, फॉर वर्किंग ऑफ एनी सेल जो ई ऑफ सेल है ये इक्वल टू जीरो, और ई ऑफ सेल इक्वल टू जीरो होने के लिए आप देखो 0.059 ये पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, एन पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसी वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ई ऑफ सेल जीरो होने के लिए लॉग सी वन बाई सी टू की वैल्यू ये निगेटिव होगी, और लॉग निगेटिव वैल्यू कब होगी कि जब नीचे का क्वांटिटी बड़ा और ऊपर का क्वांटिटी छोटा हो, लॉग एक से छोटी वैल्यू के लिए लॉग की वैल्यू निगेटिव होती है, लॉग वन जीरो,
पॉजिटिव एंड लॉग सी वन बाई सी टू की वैल्यू क्या होगी? तो इन जनरल अगर मैं बात करूं कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो आपको इन जनरल फॉर्मूला क्या याद रखना है, E of cell is equal to minus 0.059 by N log concentration of anode upon concentration of cathode, और उस सेल को काम करने के लिए for a working of cell concentration at cathode is greater than concentration at anode, आपको E not of cell की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना। देखो मैंने पहले भी कहा था, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे कमांड हो गया ना, जिसको समझ में आ गया एनोड ऑप्शन कैथोड ऑप्शन क्या है, कैसे नेस्टी क्वेश्चन लगाते ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो फॉर्मूला नेस्टी क्वेश्चन है, एडवांस का भी कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगा कि एडवांस में, हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेंगे, लॉग वॉग आ जाएगा चलेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आपको अदर सिलेबस के जैसे अदर टॉपिक के जैसे आपको ये नहीं लगेगा कि करना क्या है, आपको खुद व खुद दिखेगा एक ही वे ही है इसमें। तो अगर मैं रिकॉल कर दूं इसमें कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात अगर मैं कर दूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, इन जनरल बात कर दूं तो जो ई ऑफ सेल हो जाएगा ये माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट कैथोड, और फॉर ए वर्किंग ऑफ सेल, फॉर ए वर्किंग ऑफ सेल जो होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे ये ग्रेटर होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एट एनोड पे। कोई दिक्कत, इतनी बात आपको क्लियर से समझ में आ गई। और दूसरा, कोई भी टाइप का इस टाइप का सेल है तो जिसका ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ऑलवेज जीरो के बराबर होगा, ध्यान से समझ, लग नेस्टी क्वेश्चन रहा है लेकिन दोनों एलिमेंट सेम है, ई नॉट ऑफ सेल जीरो हो रहा है, बाकी नेस्टी क्वेश्चन लगा रहे हैं, और इसको पॉजिटिव आने के लिए ये टर्म्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होगा। तो आइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले मैं इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल कराता हूं, आपको प्रॉब्लम कराता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ तो आप अभी भी गए लेकिन प्रॉब्लम पे जब एक दो कॉन्सेप्ट आप लगा लोगे, एक दो बार प्रॉब्लम पे लगा लोगे तो ये चीज आपको फिनिशिंग में आ जाएगा। आइए एक दो पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, जल्दीबाजी तो कुछ है ही नहीं, समझ समझ के हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पढ़ाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पे हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा था और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो था। जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो गैस आयन में जा रहा था, रिडक्शन में आयन गैस में जा रहा था, ये यही चीज है, मैं दोनों आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको याद होगा तो ये सॉल्ट ब्रिज की तरफ का जो पार्ट था ये एनोड हाफ सेल था और ये कैथोड हाफ सेल, इसके लिए हम लोग निकाल चुके थे पीएच के टर्म्स में, और कहा था यहाँ पे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस है, अगर प्रेशर कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्रेशर कितना लेंगे 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया हुआ है, यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर है, कुछ नहीं प्रेशर दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड कंडीशन 1 atmosphere देंगे, 1 atmosphere देंगे, कोई दिक्कत, इतना तक काम हो चुका था। याद होगा आपको एनोड हाफ सेल में जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे, इसका E of OP निकाल रहे थे, तो ये आया था 0.059 pH at anode इस केस में। और ये अब देखो ना कॉपी पलट के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको पूरा दोनों केस कराया हुआ था, ये कब था, जब SHE एज ए एनोड हाफ सेल, ये कब आया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड हाफ सेल, और इधर जो मैं लिख रहा हूं ये था SHE एज ए CHC कैथोड हाफ सेल, और यहां पे E of RP is equal to minus 0.059 ये pH at cathode आपको पढ़ाया जा चुका, और डायरेक्टली इस सेल का अपने को निकालना पड़े E of cell, तो दोनों OP plus RP को ऐड कर दो, तो डायरेक्टली आप दोनों हाफ सेल का इंडिविजुअल निकाल करके भी ऐड करके आप pH इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, या दोनों पे कंप्लीट नेस्टी क्वेश्चन लगा दो। तो अगर मैं E of cell की बात करूं तो क्या हो जाएगा, P प्लस E नॉट ऑफ
आरपी, तो 0.059 कॉपी कॉपन हो जाएगा तो आ जाएगा 0.059 पीएच एट कैथोड माइनस पीएच एट, ये आ जाएगा ई ऑफ सेल इक्वल टू 0.059 पीएच एट कैथोड माइनस पीएच एट एनोड, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखना पीछे का टॉपिक, आप जरूर रिकॉल करना, मैंने आपको नष्ट इक्वेशन फुल सेल पे भी पढ़ा चुका हूँ कैसे लगाते हैं, और उससे पहले दोनों हाफ सेल पे भी पढ़ा चुका था। आपको याद होगा जब हम लोग हाफ सेल पे एनोड हाफ सेल पे लगा रहे थे तो वहां पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा था, ओके? और जब हम लोग कैथोड हाफ सेल पे निकाल रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने क्लियरली स्टार पॉइंट पे लिखा था कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो रहा था। इस केस में देखा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059 पीएच एट एनोड के बराबर होता है, और इस केस में -0.059 पीएच एट कैथोड के बराबर होता है, और दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर दो तो ई ऑप्शन निकल गया। तो कोई भी सेल में नेक्स्ट इक्वेशन आप आराम से लगा सकते हो, बस दोनों तरफ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो। तो यहाँ पे पीएच एनोड और कैथोड का अलग अलग लोगे, इस बार इसका पीएच इस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालोगे तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो सी वन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इसका पीएच इसके सी टू के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा था आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये माइनस में है तो पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड होगा, सॉरी करो थोड़ा सा करेक्ट कर, हम लोग प्लस करेंगे ना तो 0.051 कॉमन आ गया, ये पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड आपको ये निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन। आइए इस पे प्रॉब्लम करा देता हूँ क्वेश्चन, देख लो ये भी गैस आयन है ये भी आयन गैस है, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो अब आप आराम से नॉट ऑप्शन, अगर आराम से नष्ट इक्वेशन लगा करके ये ऑप्शन निकाल सकते हो। अब एच प्लस का सोर्स देखो, अगर इधर एच प्लस की बात करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू एस ओ फोर कितना है 0.05, तो इससे एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 2 × 0.05, तो ये 0.1 मोलर मतलब 10^1 मोलर आ गया। तो इससे पीएच कितना जाएगा, पीएच एट कैथोड कितना जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो इसका लिखोगे तो ये आ जाएगा +1। अब यहाँ पे बात कर लो, यहाँ पे NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, थोड़ा सा इक्विपीडिया में और कुछ नहीं है, 0.1 मतलब 10^-1, तो NaOH सोर्स किसका है OH माइनस, ये कितना है 10^-1, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको दे दिया तो उससे आपको H प्लस निकालना पड़ेगा। आप जानते हो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस 10^-14, तो इससे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना निकल जाएगा बेटा 10^-14 अपॉन OH माइनस 10^-1, तो ये 10^-13 आ गया। तो इस केस में पीएच एनोड का कितना आ गया 13। तो हमने क्या किया, इससे एनोड का पीएच निकाल लिया, इससे कैथोड का पीएच निकाल लिया, और लगा दे ई ऑफ सेल निकाल लू तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.059 पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड, तो ये 13 - 1 कितना हो जाएगा 12, और इसको अप्रॉक्स में 0.06 मल्टीप्लाई 12 ले लो, यहाँ पे 13 - 1 कितना हो जाएगा 12, तो 12 × 6 = 72, ये 0.72 वोल्ट, दिस विल बी योर आंसर। आप क्वेश्चन कर सकते हो, आइए एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल में, कौन सा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल पे बात करें, आगे फिर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब वन बाई वन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ डिफिकल्ट है, जिसने नष्ट इक्वेशन लगाना सीख लेना उसका पूरा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री उसके कमांड में, एक भी प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं, ये मैं आपको देता हूँ। आइए एक क्वेश्चन कर लीजिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेट ई ऑप्शन ऑफ द गिवन सेल, हम लोगों ने ये एडवांस का प्रॉब्लम लिया है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस, कुछ नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर कितना होगा 180। यहाँ पे ये जो सोर्स दिया हुआ है ये सोर्स ऑफ एच प्लस है, सोर्स ऑफ एच प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन है। अब ध्यान से देखोगे क्या है, ये CH3COOH, ये आपका एसिडिक एसिड है, सबको पता है ये वीक एसिड है, पूरा इक्विपीडियम हम लोगों ने यही पढ़ा है, और ये जो है ये CH3 सोडियम एसीटेट इसको बोलते हैं,
ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड का ही सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान से देखना, पहचानो ये है क्या। तो कोई भी कंपोनेंट वीक है और उसी का सॉल्ट उसी के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो ये हम लोग का हो जाएगा एसिडिक बफर। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कभी भी एडवांस के अच्छे प्रॉब्लम मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट H+ का जो सोर्स है ये एसिडिक बफर है, इससे मुझे इस H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा या डायरेक्टली यहाँ से पीएच निकालना पड़ेगा। आइए इस तरफ हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका कितना लेंगे, 1 एटमोसफियर, कुछ नहीं दिया हुआ था। और इधर जो ये लेंगे एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन में बता देता हूँ, ये 0.1 मोलर। ये देखो ये बेसिकली क्या है, तो ये सॉल्ट है, ये बेसिकली क्या है, सॉल्ट है। किस टाइप का सॉल्ट है, आप ध्यान से देखो, तो वीक एसिड उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लगेगा, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे वीक एसिड उसी का सॉल्ट है, यहाँ पे भी वीक एसिड उसी का सॉल्ट है, लेकिन अकेला वीक एसिड और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ये कॉन्सेप्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा। लेकिन वीक एसिड और उसी का सॉल्ट अगर वीक एसिड के साथ है तो ये एसिडिक बफर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इन केस ऑफ एसिडिक बफर जो पीएच होता है ये होता है पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और अगर सॉल्ट ऑफ वीक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे अगर पीएच निकालोगे तो यहाँ पे जो पीएच होता है ये 7+1/2 पीके प्लस लॉग सी। दिस विल इंक्लूड प्योर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इससे लेंथी अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप ध्यान से देख लो, ये 0.01 मोलर एसिड है, इसको क्या लिख सकते हो 10^-1, और इसको क्या लिख सकते हो 10^-1। ये के दिया हुआ है, तो इस के का अगर मैं पी के निकालू तो ये माइनस लॉग ऑफ के हो जाएगा, तो ये माइनस लॉग 10^-5, तो ये प्लस 5 के बराबर हो जाएगा। तो पी के किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो पी एच इज इक्वल टू 5+log 10^-1 अपॉन log 10^-1। इसको करोगे log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इस केस से पीएच किसका, एनोड पे कितना आ गया, 5। अभी हम लोग जो बात किए ये जो पार्ट है ये एनोड हाफ सेल है, और ये जो पार्ट है ये कैथोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल का जो पीएच आ गया वो कितना आ गया, 5। अब आ जाइए कैथोड हाफ सेल की बात करते हैं। कैथोड हाफ सेल की बात करोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे रिपीट कर दो, 7+ यही, यहाँ पे भी तो वीक एसिड एसिटिक एसिड है, K कितना है 10^-5, तो PK कितना हो जाएगा, 5+log C। तो log C की वैल्यू कितना है, 10^-1 प्लस log 10^-1, तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये 7+1/2 5-1 कितना हो जाएगा, 4 divided by 2 2, तो ये 7+2 कितना हो जाएगा, 9। ये जो 9 निकला ये pH कहाँ का है, कैथोड का। ये जो 9 निकला ये पीएच कहाँ का है, कैथोड का। और ये जो 5 निकला ये पीएच कहाँ का है, एनोड का। आओ एक बार फिर से समझो, गैस आयन हाफ सेल है, यहाँ जो गैस है हाइड्रोजन गैस है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस कुछ नहीं गिवन है, अकॉर्डिंग टू आयन इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे। गैस आयन है तो एच प्लस का कोई भी सोर्स दे सकता है, एनी सोर्स ऑफ एच प्लस है, और एच प्लस के सोर्स के लिए इक्विलिब्रियम ज्यादातर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो H+ का सोर्स था ये एसिटिक एसिड एंड उसी का सॉल्ट था सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हो तो वो बफर सॉल्यूशन होता है। तो ये जो बना ये मीडियम एनोड हाफ सेल जो है ये बफर है, और कैथोड हाफ सेल की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे जो पीएच निकालेंगे वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट होगा, और यहाँ जो पीएच निकालेंगे वो एसिडिक बफर का होगा। एसिडिक बफर के केस में पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड होता है, एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच इक्वल टू होगा 7+1/2 पीके प्लस लॉग सी। पीके के की वैल्यू 10^5 दी हुई है, तो पीके निकालोगे तो माइनस लॉग ऑफ के, तो 10^5 का माइनस लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, +5। दोनों तरफ सॉल्ट एंड
एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो, सॉल्ट एंड एसिड का कंसंट्रेशन सेम हो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस केस में पीएच पीके के क्या होगा, बराबर। और अगर बेसिक बफर होता पीओएच की बात करते तो ये पीके बी के बराबर होता। यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया pH equal to 7 plus pK की वैल्यू 5, log C की वैल्यू minus 1, 5 minus 1, 4, 4 divided by 2 कितना आ गया 2, 7 plus 2, 9 आ गया। तो ये जो 9 है ये pH कैथोड पे है, ये जो 5 है ये pH एनोड का है, तो हम लोगों को चाहिए क्या E option। आइए मैं यहाँ पे E option निकाल देता हूँ। E option की बात करोगे तो ये आ जाएगा minus 0.059, देख ले आप ये लगा दो 0.059 pH at anode minus pH at cathode। तो anode का pH कितना है 5 और cathode का कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 minus 9 into इसको 0.06 लिख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.06 multiply minus 2, तो ये minus 0.12 volt आ जाएगा। और E of cell अगर किसी भी cell का electrode potential negative है तो ये cell काम नहीं करेगा। और आप चाहते हो कि ये सेल वर्क करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनोड हाफ सेल का कंपार्टमेंट है उसको कैथोड हाफ सेल का लेना पड़ेगा, और जो कैथोड हाफ सेल का कंपार्टमेंट है उसको एनोड हाफ सेल का कंपार्टमेंट लेना पड़ेगा, ताकि आयन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, पीएच अलग अलग हो, और यहाँ से ये जो वैल्यू निगेटिव आ रही है ये पॉजिटिव आ जाए। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आयन के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, तो आपको लगा देना है कॉन्सेंट्रेशन सेल, वहां पे ई नॉट ऑफ सेल हमेशा जीरो होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड, जहां पे इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अच्छा हो तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन क्या है, वो सेल जिसमें दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट तो सेम ही एलिमेंट के होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा बट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। और एक ही वो टाइप के हम लोग सेल पढ़े थे, बेसिकली गैस आयन इलेक्ट्रोड, जहाँ पे इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन होता है। लिखना सेल इन विच इलेक्ट्रोड आर एट सेल इन विच इलेक्ट्रोड आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट आर एट नॉर्मली दी सेल आर यूज फॉर हाइड्रोजन। और नॉर्मली ये जो सेल है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए यूज होता है, ठीक है। वैसे सेल कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो पहले ही फिक्स है कि दोनों हाफ सेल में जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, दोनों हाफ सेल में जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। अब इसकी बात कर लो, दोनों हाफ सेल में अगर एलिमेंट सेम है तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग अलग है, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक ही सेल है जो गैस आयन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो पढ़ चुके हैं ये गैस आयन, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल के तौर पर देख लोगे तो देख लो इलेक्ट्रोड एच टू गैस, पार्शियल प्रेशर पी वन एटमोसफेयर, कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस, देन यहाँ पे H प्लस, जो पार्ट है अपना ये एनोड हाफ सेल है, ये जो पार्ट है अपना कैथोड हाफ सेल। सेल रिएक्शन लिख दो, अगर मैं यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखता हूँ इसी का, तो सबसे पहले एनोड हाफ सेल में क्या होगा, गैस आयन में जाएगा H2 गैस 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट ऑफ OP होगा ये 0 वोल्ट। सेकेंड की बात करोगे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे H2 कैथोड प्लस, इसका E नॉट ऑफ OP जो होगा यहाँ पे E नॉट ऑफ RP होगा ये 0 वोल्ट होगा। दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। तो अगर यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल की बात करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये H प्लस ये H प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन अलग रहे, और इलेक्ट्रोड गैस है तो इसमें पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा,
H2 गैस एट एनोड इज H2 गैस एट कैथोड, इसका पार्शियल प्रेशर P1 है, इसका पार्शियल प्रेशर P2 है। अब इस पे अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, पहले ही कह रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए एच प्लस कैंसिल हुआ, ये एच टू इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोड पे जो गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे ई ऑफ सेल इज इक्वल टू इनऑट ऑप्शन 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई दिक्कत? तो ई ऑप्शन ये टर्म्स तो जीरो हो गया, 0 माइनस 0.059 बाई एन की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट साइड क्या आ गया, प्रोडक्ट साइड P2 अपॉन P1। और आप चाहते हो सेल वर्क करें, आप चाहते हो सेल वर्क करें तो P1 P2 से बड़ा होना चाहिए फॉर वर्किंग ऑफ सेल, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई ऑफ सेल 0 होना चाहिए। तो ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए जो लॉग P2 बाई P1 है उसकी वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, और ये तभी निगेटिव होगा जब P1 ग्रेटर होगा P2 से। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कि इन जनरल, अगर इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़े, इन जनरल अगर इसके लिए 0.059 बाई एन लॉग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P2 का आपका प्रेशर है कैथोड का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैथोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहाँ एनोड, फॉर स्पॉन्टेनियस नेचर होने के लिए P1 ग्रेटर होना चाहिए P2, और फॉर स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ सेल जो प्रेशर एट एनोड है ग्रेटर होना चाहिए प्रेशर एट कैथोड। तो लगा सकते हो, और कभी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा, ध्यान से सुनो, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल तभी होगा जब एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल दोनों एक ही टाइप के एलिमेंट से, एक ही टाइप के मेटल से बने हुए होंगे। तो इस सेल का ई नॉट ऑफ सेल हमेशा जीरो होगा, ई नॉट सेल हमेशा जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रोड में यही आपको गैस साइन मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना आता ही है, तो यही तक था अपना गैल्वेनिक सेल। आइए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, थर्मोडायनेमिक को रिलेट करता हूँ, हेडिंग लगी है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल। हम लोग थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखते हैं, आज तो ज़्यादा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट वर्क डन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम तक हम लोग तो काम करेंगे। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात करूँ तो पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय द सेल। अगर बेसिकली हम पहला की बात करूँ वर्क डन, इसका मतलब हुआ वर्क डन स्टेट में चार्ज के टर्म्स में वर्क डन की बात करोगे तो ये वर्क डन बाय द सेल जो होता है ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब आप कहोगे गैल्वेनिक सेल में कौन सा चार्ज और कौन सा पोटेंशियल, तो दो हाफ सेल है, इलेक्ट्रॉन आप देखो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं चार्ज जो कितने इलेक्ट्रॉन गए वही, और यहाँ पे चार्ज का एक नया यूनिट हम लोग फ्राइडे के टर्म्स में देखते हैं, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। समझो मैं इसी को बोलता हूं लेट एन फ्राइडे ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू द सेल having potential difference of E volt। अगर n फ्राइडे ऑफ चार्ज E पोटेंशियल डिफरेंस के जो फ्लो कर रहा है तो जो वर्क डन होगा उस केस में, तो जो चार्ज कितना है n फ्राइडे, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज n इंटू फ्राइडे इंटू E, That work done is called as, मैं लिख देता हूं NFE। अगर बात करोगे तो N क्या है, नंबर ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे क्या है 96500 कूलम, हम लोग पढ़ चुके थे कि द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं
चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन पे निकालो इसको बोलते हैं। और कहीं कहीं पूछा मैक्सिमम वर्क डन, बताओ बताओ वर्क डन मैक्सिमम, वर्क डन मैक्सिमम की बात करोगे तो ये जो वर्क डन मैक्सिमम होता है ये होगा बेटा एन एफ इंटू ई नॉट, एन एफ इंटू ई नॉट। ई नॉट यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ फराडे, एफ क्या है फराडे, ई नॉट क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो वर्क आएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम वर्क डन, और उसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे निकालोगे वो होगा वर्क डन। वेयर ई नॉट क्या है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपसे काफी वर्क डन पूछे, अब तक हम लोग ई ऑफ E ऑप्शन निकाल रहे थे लास्ट इक्वेशन से, E ऑप्शन इज इक्वल टू नॉट ऑप्शन माइनस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस E से निकालोगे तो वर्क डन निकलेगा, और E नॉट ऑप्शन निकालते थे E नॉट ऑफ OP प्लस E नॉट ऑफ RP, तो उससे क्या निकलेगा मैक्सिमम वर्क डन। तो लास्ट इक्वेशन से आप E नॉट या E नॉट ऑप्शन निकाल लोगे उसी के रिस्पोंडिंग आप क्या निकाल सकते हो वर्क डन। तो पहला आपसे ये पूछ सकता है वर्क डन हो तो बाय द सेल बताओ, दूसरा पूछता है गिव्स फ्री एनर्जी। आइए मैं आगे देखते हैं, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। और हम लोग पढ़ते हैं डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन, और डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगा तो जो माइनस ऑफ डेल्टा, अगर गिव्स फ्री एनर्जी कम हो रहा है तो डेल्टा जी फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन। ये वर्क डन के क्या होगा बराबर होगा, और यूजफुल वर्क डन किसके बराबर होता है एन एफ ई, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई। और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ इंटू ई नॉट। डेल्टा जी नॉट की बात करोगे तो एन एफ इंटू ई नॉट होगा। ये गिव्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, इसको बोलते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और हमेशा जो डिक्रीज एनर्जी होगा ये माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। आप चाहते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो आप देख लो यहाँ से डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट फॉर स्पॉन्टेनियस, सब पढ़ा चुका हूं मैं, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव, और इसको नेगेटिव होने के लिए एन ऑफ एफ तो ये पॉजिटिव होंगे ऑलवेज, तो इसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो जो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या होगा पॉजिटिव। तो कोई भी सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा जब ई ऑप्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। तो अगर आपसे वर्क डन पूछे तो डायरेक्टली लगा देना माइनस एन एफ ई, मैक्सिमम वर्क डन पूछे तो सॉरी माइनस मत लगाना, वर्क डन एन एफ ई के बराबर होगा मैक्सिमम वर्क डन एन एफ इनटू ई नॉट। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज लगा तो माइनस ऑफ एन एफ माइनस ऑफ वर्क डन, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बताओ तो माइनस ऑफ मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल सकते हो। आओ तीसरा हम लोग निकालते हैं, दिस इज योर सेकेंड, तीसरा हम लोग निकालते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन टेकिंग इनसाइड द गैल्वेनिक सेल। बड़े आराम से समझिए, यहाँ थोड़ा मुझे समझाना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काफी पीछे से रिकॉल होंगे। चलो स्टार्टिंग से जहां गैल्वेनिक सेल लिया था वही एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक सेल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया था ZN, ZnSO4 aqueous एंड CuSO4 aqueous Cu solid, ZnZnSO4 aqueous CuSO4 से Cu solid, ये हमने सेल लिया था। और आपको याद होगा कि इसका ये एनोड ऑप्शन है तो इसका ई नॉट ऑफ OP लेते थे, ये कैथोड ऑप्शन है तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ RP लेते थे, और ई नॉट ऑप्शन 1.1 वोल्ट आ रहा था,
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। बात करोगे तो ये आपका एनोड हाफ सेल है, और अगर बात करोगे तो ये आपका कैथोड हाफ सेल है। समझ में आ रहा? यहाँ पे एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे E नॉट ऑफ OP अगर बात करें तो ये प्लस 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे अगर रिडक्शन की बात करें E नॉट ऑफ RP ये प्लस 0.34 वोल्ट। तो अगर या तो दोनों को OP के टर्म्स में ले आओ या दोनों को RP के टर्म्स में ले आओ, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं ना। तो अगर मैं इसका E नॉट ऑफ OP लिखूं तो ये माइनस 0.34 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे थे, आई थिंक हम लोग सेकेंड या थर्ड लेक्चर में देख रहे थे, तो यहाँ पे कहा था एनोड हाफ सेल में अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ ओपी कम होगा। ध्यान से देखो, आप एक बार नहीं तो पेज पलट के देख लो, आराम से वीडियो पॉज करो और आप एक बार पेज पलट के देखो। जब हम लोग एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल देख रहे थे तो एनोड हाफ सेल में कहा था कि बाय इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन ई नॉट ऑफ ओपी डिक्रीजेस। मिल गया ना आपको? यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन देखो तो जिंक सॉलिड से Zn प्लस टू एक्वस आयंस में जा रहा है। तो जितना ज्यादा इसका रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन होगा, उतना टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अकॉर्डिंग टू वो ऑक्सीडेशन ऑप्शन वाला, अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई नॉट ऑफ ओपी क्या होगा? कम होगा। तो मैं लिखता हूं, अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई नॉट ऑफ ओपी क्या होगा? डिक्रीजेस। अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, अब इधर बात करो। जब आप इधर देखोगे तो इधर कॉपर प्लस आयन सॉल्यूशन में जा रहा था, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के Cu सॉलिड में जा रहा था, और यहाँ पे ये एक्वस है। तो जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना ज्यादा आयन इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो यहाँ टाइम के साथ जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा। हमने एनोड हाफ सेल के लिए पढ़ा था कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे E नॉट ऑफ ओपी क्या होता है? कम होता है। लेकिन कैथोड हाफ सेल के लिए हमने पढ़ा था आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे E नॉट ऑफ आरपी बढ़ता है। आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो E नॉट ऑफ आरपी बढ़ेगा। तो यहां पे अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो यहां पे E नॉट ऑफ आरपी वो भी कम होगा, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ये दोनों हाफ में पढ़ा हुआ है। तो अगर आरपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, स्टैंडर्ड आरपी कम होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन कम हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि E नॉट ऑफ ओपी इंक्रीज करेगा। अगर दोनों ओपी के टर्म्स में देखोगे तो होगा क्या, जब आप स्टार्टिंग में रिएक्शन कराओगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। अब जैसे जैसे सेल काम करेगा एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा और जो कैथोड हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो बढ़ेगा। ये कम होगा और ये बढ़ेगा, एक वैसा टाइम आएगा जो दोनों इक्वल आ जाएगा, और उस टाइम पे ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा? जीरो। ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? जीरो। और उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे सेल आपका काम करना बंद करते। ये चीज समझ में आया कि मैं कैसे इंक्रीजेज डिक्रीजेज कर रहा हूं? फिर से बताता हूं, इसका E नॉट ऑफ ओपी 0.76 वोल्ट है और इसका E नॉट ऑफ आरपी प्लस 3.1 वोल्ट है। याद होगा तभी तो हम लोग E नॉट ऑफ सेल निकाले थे, E नॉट ऑफ सेल 1.1 वोल्ट था। तो मैं दोनों को ओपी के टर्म्स लिया ताकि कंपेयर कर पाए। तो इसका E नॉट ऑफ ओपी 0.76 रह गया और ओपी के लिए माइनस साइन चेंज कर दिया तो माइनस 0.3 वोल्ट रहा। तो इस केस में अगर मैं E नॉट ऑफ सेल निकालू, अगर मैं इस केस में E नॉट ऑफ सेल निकालू, तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में दोनों को ऐड करते हैं। अगर दोनों ओपी के टर्म्स में लिखोगे तो एनोड माइनस कैथोड करते हैं तो क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ ओपी ऑफ एनोड माइनस E नॉट ऑफ ओपी एट कैथोड। अब टाइम के साथ देखो, इसका ओपी कम हो रहा है, इसका ओपी बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे E नॉट ऑफ सेल जीरो हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, E नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? क्योंकि टाइम के साथ ये कम होगा, टाइम के साथ ये बढ़ेगा।
यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से समझ मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हेन सेल स्टार्ट वर्किंग, जब सेल वर्कर काम करना स्टार्ट कर रहा है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? कम है। ड्यू टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन एनोड हाफ सेल इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हाइल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल इंक्रीजेस एंड इट बिकम इक्वल एंड सेल स्टॉप सेल स्टॉप वर्किंग। उस केस में जो ई नॉट ऑफ सेल टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयन एनोड हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा व्हाइल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल इंक्रीजेस एंड इट बिकम इक्वल, एक टाइम आएगा जो दोनों इक्वल हो जाएगा। स्टार्टिंग में एनोड हाफ सेल में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन कैथोड हाफ सेल में आयन का कंसंट्रेशन कम होने पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएगा, वहां पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा और इट इज अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां पे आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इतना तक समझ में आया? ओपी ऑफ एनोड बिकम इक्वल टू ई RP of cathode is equal to E of cell और उस कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल क्या हो जाएगा? सब इक्वल होगा। इतना समझ में आया था? इक्विलिब्रियम E of OP equal to E of RP और इस कंडीशन पे जो E of cell है ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, E of cell is equal to E naught of cell 0.059 by N log concentration of product upon their stoichiometry upon reactant upon their stoichiometry। क्वेश्चन ये जो है concentration of product upon reactant इसको बोलते हैं क्यू रिएक्शन, क्यूसेंट एट एनी कंडीशन। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया इस रिएक्शन क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं? के इक्विलिब्रियम और ई ऑफ सेल बिकम क्या? जीरो। तो ई ऑफ ई नॉट ऑफ सेल को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। जिस कंडीशन पे ई ऑफ सेल जीरो होगा तो ये पूरा टर्म रिएक्शन क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं? के इक्विलिब्रियम, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम के क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन क्वेश्चन क्यू है इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम। तो मुझे चाहिए क्या? इसकी वैल्यू चाहिए। तो होगा क्या? देख लो, एन इनटू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। एन इनटू ई नॉट ऑफ सेल 0.059 और इसका एंटी लॉग लोगे तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लेकर के दिखा दूं तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंटी लॉग की वैल्यू 10^2 पे चला जाता है। तो 10^2 एन इनटू ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.059 दिस विल बी योर आंसर। तो यहां से आप निकाल सकते हो। सिंपल मैंने आपको क्या समझाया कि इक्विलिब्रियम के टर्म्स में किसी भी सेल का अगर ओपी या आरपी के टर्म्स में ले आओ, एनोड हाफ सेल में इन एनोडिक कंपार्टमेंट टाइम के साथ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा जिससे उस सेल का उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। कैथोड हाफ सेल की बात करोगे तो टाइम के साथ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, टाइम के साथ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इसलिए कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल नो डाउट कम होगा। दोनों ओपी ओपी के टर्म्स में बात करते हैं, होगा क्या कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे की इक्वल आ जाएगा, वहां पे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड बिकम इक्वल टू एक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड ई ऑफ सेल बिकम इक्वल टू जीरो। उस कंडीशन को बोलेंगे क्या? इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट बाय स्टोइकोमेट्री होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट, वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। और ई ऑप्शन जीरो है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालोगे लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एन इनटू ई नॉट ऑफ सेल 0.0 अपॉन 0.059 और इसका एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग की वैल्यू 10^10 पे चला जाता है। तो आप निकाल सकते हो। तो आइए हम लोगों ने पढ़ा वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड के इक्विलिब्रियम। इसी पे बेस्ट हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। आगे की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन कराता हूं। आइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है FeFeSO4
आयन कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट 2 सिल्वर, मेटल मेटल आयन से मेटल मेटल आयन से। अगर इस मेटल आयन का एनायन दे देता तो मेटल इनसॉल्युबल या सॉल्ट का केस में देता तो भी इनसॉल्युबल हो जाता। दोनों सेल का रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कह रहा है जब तक जो पढ़ा है वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन गिव्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के इक्विलिब्रियम होता सेल एंड ई ऑप्शन निकाल। आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेल रिएक्शन। ये जरूरी है, अगर आप सेल रिएक्शन लिखोगे तो दिस इज योर एनोड हाफ सेल, अब तो समझते होगे, और दिस इज योर कैथोड हाफ सेल, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो Fe कहां जाएगा? Fe प्लस 2 एन 2 इलेक्ट्रॉन में। इसका हम लोग क्या लेंगे? OP, तो आ जाएगा E नॉट ऑफ OP इज इक्वल टू इसका, ये RP दिया हुआ है, ये आयन से मेटल रिडक्शन है और मुझे क्या है मेटल टू आयन जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो आ जाएगा प्लस 0.4 वोल्ट। दूसरा अगर बात करें Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या Ag, तो इस केस में इसका E नॉट ऑफ क्या लेंगे? RP, तो ये E नॉट ऑफ RP 0.8 वोल्ट। जब फुल सेल लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना क्या होना चाहिए? जब फुल सेल में इलेक्ट्रॉन अपना क्या होना चाहिए? कैंसिल, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो इस केस में जो E नॉट ऑफ सेल है ये 1.4 वोल्ट आ जाएगा, 1.2 वोल्ट नॉट 4 वोल्ट। इक्वेशन देख लो, Fe सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Fe प्लस 2 इक्वल्स। इस केस में n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? 2। तो सबसे पहले k इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। अगर k इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है 10^2 होगी, दिए होते हैं 10^2 n * e नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.059। एक एक करके निकालना है, मैं निकालते चलता हूँ। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फॉर्म पुट कर दो इस वैल्यू को तो आ जाएगा 10^2 n की वैल्यू 2, e ऑफ सेल कितना 1.2, 0.059 को क्या ले लो 0.06 ले लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ध्यान से देखो ना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 120 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 120 बाय 6 कितना 20, 20 मल्टीप्लाई टू 40, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10^40। दिस विल बी योर आंसर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, पहला निकल गया। दूसरा, पहले नेक्स्ट इक्वेशन से ई ऑप्शन निकाल लेते हैं ताकि वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन दोनों निकल जाए, वर्क डन NFE ई ऑप्शन और मैक्सिमम वर्क डन NF * E0 दोनों निकल जाएगा। आओ नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो। नेक्स्ट इक्वेशन जब आप इस पे लगाने के लिए जाओगे तो आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल कितना 1.2 माइनस 0.06 n की वैल्यू 2 लॉ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में Fe प्लस 2 ले लें तो ये आ जाएगा 10^-2 अपॉन रिएक्टेंट Ag, Ag का कंसंट्रेशन 10^-3 का स्क्वायर। तो 10^-3 का स्क्वायर कितना? माइनस सिक्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस सिक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 4, तो ये आ जाएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.06 बाय 2 इनटू लॉग 10^4, तो ये कितना हो जाएगा 4 log 10। 4 को इस 2 से कट करोगे तो 1.2 माइनस 0.06 मल्टीप्लाई 4/2, तो ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 माइनस 0.12 ये आ जाएगा 1.08। ये ई ऑफ सेल आ गया। तो वर्क डन निकाल ले, वर्क डन इज इक्वल टू NFE और मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू माइनस मतलब है ना NF * E नॉट, ये वर्क डन मैक्सिमम है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ आप सॉल्व कर लेना। एन की वैल्यू कितना है 2, फराडे 96500 और ई ऑप्शन 1.08, जब इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। और मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू निकालोगे 2 * 96500 * 1.2, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। डेल्टा जी की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू
माइनस एन एफ ई या सीधा माइनस ऑफ वर्क डन, तो ये निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा, और डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस एन एफ इन टू ई नॉट या माइनस ऑफ वर्क डन मैक्सिमम वाला। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में होगा टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल बेसिकली है क्या, तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। कंसंट्रेशन में दोनों हाफ सेल सेम ही टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, उसके लिए हमेशा ही नॉट ऑफ सेल हमेशा जीरो होगा। फिर हम लोगों ने देखा थर्मोडायनेमिक्स, इसमें वर्क डन देखा, गिब्स यूनिट्स देखा और के इक्विलिब्रियम देखा, उसमें हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी करा दिया ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट मीन सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, एज यूजुअल लेक्चर आपको बाकी तीन की तरह समझ में जरूर आया होगा, पूरा आई होप पूरा कॉन्फिडेंस आप में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिर्फ यही है और जितने वैरायटी हो सकते मैंने सब आपको एक एक करके पढ़ाया। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे आपसे इतना ही चाहिए होता है कि आप जरूर मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। एक टीचर को अपने बच्चों से यही चाहिए होता है कि बच्चों को समझ में आए, बच्चों का कॉन्फिडेंस टीचर को कॉन्फिडेंस मिलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।